Process. We are discussing about the lesson 9 from 10th standard Bhauri, and today I am going to discuss within the ending of this lesson in the form of part 3 by K.A. Abbas. And as usual, I have written some of the rested words which is in your reading. So firstly, I just want to read in front of you all, prompted, asked to do, considerate, kind-hearted, nambardar, a revenue officer, triumphant, victorious, downcast, bored low, perspective, going to be, contempt, hatred, streak of lighting, a thin flash of light with cloud, flung up, thrown, stuck up, beat, steady, flung means thrown, stuck up, beat, steady, constant, contemplating, watching, closing, masterpiece, best creation. सो एज यूजुअल स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बताया कि भोली नाम की कहानी है ये, इसका नाम सुलेखा था, तो किस तरह से उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, किस तरह वो बचपन में गिरती है और स्टैमर प्रॉब्लम हो जाती है टीचर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से. देखिए, टीचर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो टीचर जो गुरु है, किसी भी फील्ड में आपका गुरु है तो बेटा गुरु जो, तो गुरु तो गुरु होता है. एक स्टूडेंट अगर कोऑपरेट करने वाले हो तो गुरु पीछे नहीं हटेगा कभी भी. और मेरे गुरु जो ने एक ही चीज सिखाई है कि गुरु के पास बहुत कुछ होता है, लेने वाला चाहिए, और मिलता ऐसे करके, शिक्षा दीक्षा ऐसे ही मिलती है. तो चलिए बात करते हैं आगे के पार्ट की. मे बी योर राइट, मटर रामना बुरुड़ा है, शायद आप सही हो. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली लिए हुई कॉर्नर कॉर्ड, और जो भोली थी वो अपनी चारपाई से गिर गई, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन, उठ बैठी, और वो अपनी माता पिता की जो एक खुशहट सी शांत भाव से बातें कर रही थी, सुन रही थी. विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ जो है वो बहुत ही समृद्धशाली, एक बहुत ही समृद्धशाली जो व्यापारी था. ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वो अपने बहुत सारे मित्रों एंड रिलेशन संबंधियों के समूह में आया विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए उसके पास. एक ब्रेस बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, और जुलूस का जो जुलूस के अंदर जो मुख्य रूप से भारतीय फिल्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्यून जो पीतल का बैंड होता था पहले जो बजाया करते थे, वो अगुवाई कर रहा था विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स. और ब्राइड ग्रूम जो है वो एक बहुत ही, ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा, दूल्हा जो एक बहुत ही सजाए हुए घोड़े पर सवार था. रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, पॉम्प एंड स्प्लेंडर, बहुत ही शान शौकत को देख करके बहुत खुश था. ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपने नहीं देखा था दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी इतनी विशाल जो है भव्य शादी होगी. भोली एल्डर सिस्टर्स हू हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक, भोली की जो बड़ी बहनें थी जो इस अवसर पर आई थी उसके भाग्य से उन्हें ईर्ष्या हो रही थी. एनवियस मीन्स होता है ईर्ष्या. When the auspicious moment, जब ये भाग्यशाली क्षण came, I the priest said, पादरी या पंडित कह सकते हो, कहा bring the bride, दुल्हन को लाओ, भोली clad in a red silken bridal dress, clad means डाली हुई थी उसने एक red silken bridal dress डाली हुई थी, was led to the bride's place near the sacred fire, और एक पवित्र अग्नि के जहां पर एक अग्नि कुंड जो था वहां पर जो उसे लाया गया था. Garland and the bride, one of his friends prompted विशंबरनाथ, prompted, prompted means here it is asked to do, उसे कहा, उसे asked to do. Garland the bride, one of his friends prompted विशंबरनाथ, विशंबरनाथ को उसके मित्रों ने जो है कहा क्या कि जो दुल्हन है उसके गले में माला डालो. The bride groom lifted the garland of yellow marigolds, और उसने पीले गेंदे की माला जो है उठाई हुई थी दुल्हे ने. ए वुमन clipped back the silken veil, और उन्होंने जो रेशमी घूंघट था उसको वापस खींच दिया from the bride's face, दुल्हन के चेहरे से. विशंबर टू का क्विक ग्लैंस, विशंबर ने एक तुरंत नजर डाली. द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और जो गार्लैंड रिमेन, जो गार्लैंड माला थी वो उसी के हाथ में रह गई. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और दुल्हन ने धीरे धीरे उसके चेहरे से घूंघट को नीचे खींचा. हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, और विशंबर का जो एक बराबर में मित्र खड़ा था आगे उसको कहा क्या तुमने उसे देखा. शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चीचक की दानियां. सो व्हाट, तो क्या यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो, मे बी शायद. बट इफ आई एम टू मैरी हर, यदि मैं उससे शादी करता हूँ, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीस, उसके मां पिताजी मुझे 5000 रुपए देने होंगे. रामलाल गए एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, और अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी. हिज ऑनर, उसका सम्मान, एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पैरों में. डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, ह्यूमिलेट मींस इंसल्ट, मेरी इतनी बेइज्जती या इंसल्ट मत करो. अपमान, टेक 2000 रुपीस, 2000 रुपए ले लो. नो 5000 नहीं, 5000 और भी गो बैक, यदि हम वापस जाते हैं. कीप योर डॉटर, अपनी बेटी अपने पास रखो. बी ए लिटिल कंसीडरेट प्लीज,
कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट मीन्स स्टूडेंट काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड, तो थोड़ा सा दयालु बनो, यहाँ कहने का मतलब है। इफ यू गो बैक, यदि आप वापस जाते हैं, कैन नेवर शो माय फेस इन द विलेज, गांव में मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता, देन आउट विद 5000, तो 5000 रुपए लाओ, टीयर्स स्ट्रीमिंग अराउंड हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया, ओपन द सेफ, तिजोरी को खोला एंड काउंटेड आउट द नोट्स, नोट को गिना, ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उसने दूल्हे के पैरों में उस बंडल को रख दिया। ऑन डिसेंबर्स ग्रेडिंग फेस, ग्रेडी फेस अपीयर अ ट्रायम्फेंट स्माइल, ट्रायम्फेंट होता है जैसे कोई जीत हासिल कर रही हो, ऐसी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, लालची चेहरे पर, ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, उसने जुआ खेला जीत गया, गिव मी द गाल एंड ही अनाउंस्ड, उसने कहा कि मुझे माला दो, वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, दुल्हन के चेहरे से फिर से उसको स्लिप किया गया घूंघट को, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीची नहीं थी, शी वाज लुकिंग, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, हियर इट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव, गोइंग टू बी, प्रोस्पेक्टिव मीन्स गोइंग टू बी, लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, जो सीधा अपने पति की आंखों में देख रही थी, इन हर आइज देयर वाज, उसकी आंखों में देयर वाज नाइदर एंगर नो हेट, ना तो गुस्सा था ना नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेंप्ट, एक शांत, कंटेंप्ट मीन्स हीट, घृणा। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, दुल्हन की गर्दन में, दुल्हन की गर्दन में माला को रखने के लिए जैसे उसे वह उठा, बट बिफोर ही कुड डू सो, ऐसा इससे पहले वो ऐसा कर पाया, बोली हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, एक बादलों में से जैसे चमक उठती है, एक चमक की तरह उसके हाथों ने उसे रोका, एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, फ्लंग मींस थ्रोन, और आग में जा गिरी थी, शी गॉट अप, वह उठी एंड थ्री वे द वेल, और घूंघट को हटा दिया, पिताजी सेड बोली इन क्लियर लाउड वॉइस, एक स्पष्ट ऊंची आवाज में कहा पिताजी, एंड हर फादर, उसके पिता, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशन, नेबर्स वर स्टार्टलेस, स्टार्टेड मी शोक्ड, सरप्राइज्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टमर, बिना थोड़ी सी हकलाहट के जब उन्होंने उसे सुनते हुए देखा तो हैरान थे, पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली, रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, थंडरस्ट्रक मीन्स परेशान था, द गेस्ट बिगेन टू व्हिस्पर, मेहमानों ने जो है आपस में कानाफूसी शुरू की, सो शेमलेस, इतनी शर्मनाक, सो उगली, इतना भद्दा, एंड सो शेमलेस, इतनी शर्मनाक, भोली, आर यू क्रेजी, साफ्टी, रामलाल, रामलाल चलाया, क्या तुम पागल हो, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार का अपमान करवाना चाहती हो, हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत के लिए थोड़ा सा सम्मान रखो, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, तुम्हारी इज्जत की खातिर, सेड भोली, भोली ने कहा, वाज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े और बूढ़े व्यक्ति से शादी कर रही थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रेडी, परंतु मैंने जिंदगी में कभी ऐसा कमीना, लालची, कॉन्टिपटेबल, तिरस्कारपूर्ण, कोवार्ड, कायर एज माय हस्बैंड, मेरे पति के रूप में ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं होगा, आई विल नॉट, विल नॉट, विल नॉट, मेरा ऐसा पति नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बट इज शेमलेस कर, कितनी बेशरम लड़की, अभी वो थॉट शी वाज अ हार्मलेस डमका, हमने तो यही सोचा था कि बगैर किसी को नुकसान पहुंचाने वाली, शांत रहने वाली एक गूंगी गाय थी, भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, भोली जो उस बूढ़ी औरत की तरफ बड़ी हिंसक खतरा ढंग से मुड़ी, यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम सही हो, यू ऑल थॉट आई वाज अ डम ड्राइवर काउ, तुमने सभी ने सोचा था कि मैं एक बहरी गूंगी गाय जिसके साथ धकेल दी जाऊंगी, दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, तो आप इस पत्थर दिल को मुझे देना चाहते थे, बट नाउ द डम काउ, परंतु अब ये गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, और ये खकलाने वाली मूर्ख, स्पीकिंग बोल रही है, डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनना चाहते हो, विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ वो व्यापारी, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अपनी सारी बारात के साथ वापिस जाना शुरू किया, द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और जो परेशान बैंडमैन थे, जो बैंड बाजे वाले थे, उन्होंने सोचा कि सेरेमनी का अंत था, एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने जो है बंद करने का गाना बजाना शुरू किया, रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रूटेड मीन्स स्थिर होकर के खड़ा हो गया, हिज हेड बोर्ड लो से नीचे झुका हुआ था, विद द वेट ऑफ जेरिक, पीड़ा एंड शेम, शर्म के साथ, द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन मीन्स बुझ गए, और धीरे धीरे जो पवित्र अग्नि की ज्वाला थी वो बुझ गया, एवरीवन वाज गोन, हर कोई चला गया था, रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, अब तुम्हारे बारे में, नो विल बी नेवर मैरी यू नाउ, अब तुम बताओ कि कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, व्हाट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, बहुत ही सहज और शांत आवाज में सुलेखा ने कहा, डोंट यू वरी, चिंता मत करो पिताजी, इन योर ओल्ड एज, आपकी बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, योर मदर और माता की, एंड आई विल टीच द सेम स्कूल, उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहां मैंने इतना ज्यादा सीखा था, इज़न्ट दैट राइट मैन, क्या वो सही नहीं है, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, और टीचर भी पूरी तरह से कॉर्नर में खड़े थे, वॉचिंग द ड्रामा, ये अभिनय देख रहे थे, यस भोली ऑफ कोर्स भोली, हाँ शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उसकी मुस्कुराती आंखों में वो द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन,
एक गहरी संतुष्टि का प्रकाश था, दैट एन आर्टिस्ट फील, जैसे कलाकार महसूस करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपनी उस सबसे बेस्ट जो क्रिएशन होती है, जो मास्टरपीस, जो बेस्ट क्रिएशन होती है, उसको वो बंद करते हुए देखता है पूरा करने के बाद, तो ऐसी सेटिस्फेक्शन भोली को भी थी। सो स्टूडेंट, ये चीज हमें ये बताती है कि बेटियां भी किसी से कम नहीं है, और हर बार मैंने एक ही चीज कही है कि पेरेंट्स के लिए भी रिक्वेस्ट है, जो दादा दादी थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेवल के हैं, आप उन्हें संस्कार दीजिए। इट डजंट मैटर कि जमाना कैसा है, हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो जमाना अच्छा है। और अक्सर कहा भी जाता है कि डॉटर्स आर नोट टेंशन, डॉटर्स आर नोट टेंशन, इक्वल डॉटर इज सॉरी सिंगल डॉटर इज इक्वल टू टेंशन, डॉटर्स आर नोट टेंशन, सिंगल डॉटर इज इक्वल टू टेंशन, एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उनको किसी काबिल बनाओ, ताकि समाज में आपका, आपके परिवार का, आपके पूरे डिसेंडेंस का, आपके वंशजों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख सके। ऐसे ही बेटियां आज के दौर में कर भी रही हैं, हमारे सामने बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, फोगाट फैमिली है और भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर हम राजनीति में देखते हैं, स्पोर्ट्स में देखते हैं, अगर हम स्कूलिंग से, यूनिवर्सिटीज से, कॉलेज से देखते हैं, तो बेटियों वाकई ही आप लोगों को सल्यूट है, आपकी मेहनत को, जज्बे को, नेवर गिव अप, गो अहेड, वन डे द सक्सेस विल बी अंडर योर फीट, माइंड इट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।